एरो आवी, एरो आवी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। खरगोश के कान हमेशा लंबे और दुम छोटी नहीं हुआ करती थी। ये तो एक केकड़े की करामत थी, सच्ची। कहानी का शीर्षक है खरगोश के लंबे कान। लेखक सनातन जुआंगा, चित्र बनाए हैं सनातन जुआंगा और हिंदी में अनुवाद अमृत मिश्रा और राजेश खर। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। सियार और खरगोश बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन सियार की पत्नी को बुखार आया। सियार ने खरगोश को बुलाकर कहा, ए दोस्त, मेरी पत्नी को तेज बुखार है, उसे कुछ भी खाना नहीं भा रहा। अब उसकी इच्छा केकड़ा खाने की है। खरगोश ने कहा, चलो चलकर एक केकड़ा लाया जाए। तुरंत ही दोनों मित्र केकड़े की खोज में निकल पड़े। सियार एक ओर गया और खरगोश दूसरी ओर गया। चलते चलते खरगोश को कीचड़ में केकड़े का एक बिल दिखा। उसने बिल में झांक कर देखा, एक मोटा केकड़ा अंदर बैठा था। ये एकदम सही रहेगा, खरगोश ने सोचा। उसने ध्यान से बिल में हाथ डाला। बिल गहरा था। उसका हाथ ना पहुंच पाने पर खरगोश ने अपनी पूंछ को बिल में डाला। बिल में बैठे केकड़े ने पूंछ को जोर से काटा और जकड़ लिया। खरगोश चिल्लाया। खरगोश का चिल्लाना सुनकर सियार दौड़ा आया। खरगोश ने उससे कहा, अब देखो मत, मुझे जोर से खींचो, मेरी पूंछ अंदर फंसी हुई है। सियार ने खरगोश के दोनों कान पकड़े और खींचने लगा। इधर उधर हिलता देखकर केकड़े ने खरगोश की पूंछ को फिर जोर से काटा। दर्द के मारे खरगोश उछल पड़ा। उसकी पूंछ कटकर बिल के अंदर रह गई। सियार के खींचने से उसके कान लंबे हो गए। उसी दिन से खरगोश की दुम छोटी सी रह गई और उसके कान लंबे हो गए। कहानी खत्म। मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियां? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरो आवी, एरो आवी।